तापी तेमज दमण अने दादरानगर हवेलीना सेलवास सहित विस्तारों में रहता उत्तर भारतीय समाज द्वारा नदी किनारे छठ पर्व की उजवणी करवामां आवी हती। दमण गंगा नदी किनारे नव दुर्गा ट्रस्ट सहित संस्थाओं द्वारा छठ पूजा आयोजन करती संध्याए मोटी संख्या में उत्तर भारतीय समाज की बहनों परिवार साथ आवी नदी में उभा रही सूर्यदेव ने अर्ध्य अर्पण कर छठ पूजा की। अत्र उल्लेखनीय है कि लोकवायका मुजब माता कुंतीए व्रत कर पुत्र रूपे कर्ण की प्राप्ति करी थी। त्यार थी दरेक उत्तर भारतीय समाज ना लोको आ व्रत की उजवणी करी रह्या छे। छठ पर्व जो है हमारे सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध पर्व है जो उत्तर भारतीय लोग मनाते हैं। छठ पर्व की मान्यता ये है कि लोग अपने बच्चों के लिए करते हैं और ये जो पर्व है उत्तर भारत की तरफ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जो अभी पश्चिम भारत में भी बहुत प्रख्यात हो चुका है, जिसका आप माहौल देख सकते हैं आजू बाजू में। ये व्रत किस तरह रखा जाता है? ये व्रत 3 दिनों का होता है, इसमें खरना होता है, पहला अर्घ होता है जो शाम के जो सूर्य, ये पहला पर्व है जिसमें डूबते हुए सूरज की पूजा की जाती है और लास्ट जो होता है वो उगते हुए सूरज की पूरा पूजा की जाती है। टोटल ये 3 दिन का पर्व होता है। आपका नाम? मेरा नाम नंदन रावत। मैं बिशिंदु रक्षा दल से पार्टी प्रमुख। मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंह है और मैं पश्चिमी दिल्ली से सांसद प्रत्याशी भी रह चुका हूँ और मैं जय हिंदू राष्ट्र मासिक पत्रिका एक लिख रहा हूँ जो समस्त हिंदुओं के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए एक क्रांति लाएगा। और छठ पूजा के पर्व पर हम ये 2 शब्द समस्त देशवासियों को बोलना चाहते हैं। जो ये बिहार और यूपी, मध्य प्रदेश जो कुछ भाग है उधर उत्तर भारतीय, वहाँ पर ये धूमधाम से मनाया जाता है। आज ये पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, जो भी हमारे उत्तर भारतीय लोग पूरे विश्व में हैं। और यह पर्व का विशेष महत्व ये है, जो द्रौपदी का जब राजपाट छिन गया था तो भगवान श्री कृष्ण से कहा था, जो है प्रभु हमारा जो है राजपाट छिन गया, जो हम क्या करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहे, जो आप जो है छठी माई का जो है व्रत करिए, उस व्रत के प्रभाव से आपका जो है राजपाट जो है पुनः वापस आ जाएगा। और इसी के प्रभाव से जब द्रौपदी माता ने जो है ये मतलब व्रत किए, तो इस व्रत के प्रभाव से उनका जो है राजपाट वापस आ गया। तब से यह व्रत जो है चालू हुआ और उससे पहले भी वर्णन है, शास्त्रों में मनाया जाता था। तो मैं समस्त देशवासियों से आग्रह करता हूं कि आप भी छठ पूजा का व्रत करिए। आज न्यूज़ पे देखा हूं ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी मनाया गया है, विश्व के हर कोने कोने में मनाया गया है। हमारा यह वापी के अंदर चनौद गाँव में लगभग 25 साल से ऊपर ही हो गया, ज़्यादा ही हो गया, हम लोगों को याद नहीं है, फिर भी 25 साल से हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। हर साल हम लोग यहाँ पे सेवा देते हैं। हमारा जो है इच्छा पूर्ति हनुमान मंदिर ट्रस्ट वो, और जो भी यहाँ पे जो भी सदस्यगण है वो सब आते हैं और सेवा करते हैं। और विशेषकर समस्त हिंदुओं से आग्रह करता हूँ कि एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं और सहयोग बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। भारत माता की जय। ये त्यौहार बिहार से मनाया जाता है, गुजरात तक आया है और पूरे विश्व में अभी मनाया जा रहा है। और बिहार में औरतें 5-7 दिन से पहले से व्यवस्था करती हैं, उसमें खाने पीने का ठेकुआ पूड़ी जितना फल होता है सब व्यवस्था करती हैं वो। उसके बाद नारियल कोई भी सामान ऐसा नहीं है कि जो नहीं करती है। अभी दक्षिण गुजरात तक, बम्बे, महाराष्ट्र, इंडिया के हर कोने में आ चुका है ये। और बिहार में ऑलरेडी सबसे बड़ा त्यौहार है बिहार का, इसके लिए मनाया जाता है। और उसमें शादी कोई बच्चे के लिए करता है, कोई अपने बिजनेस के, कोई आगे बढ़ने के लिए करता है, इसके लिए त्यौहार मनाया जाता है। बिहार से आके गुजरात, वर्ल्ड में हर जगह भी फेमस होते जा रहा है त्यौहार। और जब शाम को 3रे दिन शाम को औरतें आके सूर्य डूबते हुए सूरज को अर्घ करती है और 4थे दिन ऑल मॉर्निंग सुबह चढ़ते हुए सूरज को अर्घ देकर समाप्त करती है, उसके बाद जो भी है प्रसाद लेती है। ओके किशोर भाई, ये छठ का, उत्तर भारत का छठ का बहुत बड़ा एक पर्व है जो उगते हुए और डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। और हमारा नव दुर्गा सेवा ट्रस्ट सार्वजनिक छठ पूजा, हम लोग 10 साल से सेवा दे रहे हैं,
सेवावर्तियों को कि उत्तर भारतीय जो भी हमारे धर्म का पालन कर रहे हैं उनके लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं तन मन धन से। जितने हमारे सब अतिथिगण सेवाधारी जो हम लोग हैं हर धर्म में जो भी होता है तो हम लोग अपने गुरु हमेशा सेवा के लिए तैयार रहते हैं। और आज का जो छठ पूजा का पहला दिन है वो डूबता हुआ सूर्य का अर्घ दिया गया और कल उगते हुए सूर्य का अर्घ दिया जाएगा। हमारे जो छठ व्रतियों हैं वो तीन दिन से बिना अन्न जल त्याग कर सूर्य भगवान को अपने बच्चे को लिए संसार का कल्याण के लिए धर्म के लिए उपासना करते हैं ताकि हमारा धर्म हमारा कल्चर हमारा संस्कार आने वाले पीढ़ी को समझ में आवे